सलमान खान की अपकमिंग फिल्म सुल्तान में दुबई की रहने वाली चाइल्ड आर्टिस्ट सूजी खान उनकी बेटी का किरदार निभाते नजर आएंगी। पिछले दिनों मीडिया में ऐसी खबरें थी कि फिल्म में सूजी अनुष्का शर्मा के बचपन का रोल प्ले करेंगी, लेकिन एक पॉपुलर वेबसाइट के मुताबिक सूजी सलमान की बेटी का कैरेक्टर निभाएंगी। पिछले साल जब सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान रिलीज हुई थी, उस दौरान सूजी का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो सलमान की फिल्म की एंडिंग देख रोती नजर आई थी। इस वीडियो को देख सलमान काफी इमोशनल हुए थे। उस वीडियो को उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया था और साथ ही सूजी से मुलाकात भी की थी। 6 साल की सुजैन अहमद खान सूजी सुल्तान के लिए सल्लू मियां की पहली पसंद बनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सुपरस्टार की बेटी इस किरदार को निभाने के लिए रेडी थी, लेकिन सलमान ने इस कैरेक्टर के लिए सूजी को चुना। सचिन तेंदुलकर पर बन रही फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है। सचिन के फैंस हमेशा से ही चाहते थे कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की जिंदगी पर फिल्म बने। अब सचिन के फैंस की इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है। हाल ही में इस टीजर में सचिन ने कहा कि मेरे बाबा मुझसे हमेशा कहा करते थे कि तुमने जिंदगी में क्रिकेट को चुना है, ये बात अलग है, लेकिन आखिर तक जो बात तुम्हारे साथ रहेगी वो ये होगी कि तुम इंसान कैसे हो। सचिन तेंदुलकर पर बन रही फिल्म का पहला पोस्टर वीरेंद्र सहवाग और अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस फिल्म का नाम सचिन अ मिलियन ड्रीम्स है, जिसके निर्माता जेम्स अर्स्किन हैं। बॉलीवुड अभिनेताओं और खिलाड़ियों ने फिल्म का पहला पोस्टर शेयर करते हुए सचिन को बधाई दी है। फेमस गोवन फैशन डिजाइनर वेंडल रॉड्रिक्स ने सोशल मीडिया के जरिए माधुरी दीक्षित पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। इसकी वजह है इंडिगो एयरलाइंस द्वारा माधुरी दीक्षित और उनके दोस्तों को स्पेशल VVIP ट्रीटमेंट देना। वेंडल ने अपने अकाउंट पर लिखा, इंडिगो 6E बॉम्ब टू गोवा यस्टरडे हैविंग सेपरेट बस फॉर माधुरी दीक्षित एंड वी वर लेफ्ट इन हॉट सन ऑन टारमैक व्हाइल 5 इन एम्प्टी AC बस अनफेयर। वेंडल के मुताबिक 7 अप्रैल को जब वो इंडिगो एयरलाइन से मुंबई से गोवा का सफर कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि 5 पैसेंजर्स ने बोर्डिंग लाइन को छोड़ दिया और उन्हें अलग बस से प्लेन तक ले जाया गया। उस वक्त वेंडल को लगा कि वो लोग अपने प्राइवेट जेट से सफर कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा किया गया। और गोवा में जब प्लेन उतरा तो नियम के अनुसार फ्रंट लाइन के पैसेंजर्स को पहले बस से ले जाना होता है, लेकिन यहां भी उन 5 लोगों को बस से पहले ले जाया गया, जबकि दूसरे पैसेंजर्स को तेज धूप में बस लौटने का इंतजार करना पड़ा। इसी दौरान वेंडल ने नोटिस किया कि उन 5 लोगों में से एक माधुरी दीक्षित भी है। वेंडल के ट्वीट के बाद इंडिगो एयरलाइंस ने भी इनके ट्वीट का जवाब दिया और कहा कि वो इस मामले की जांच करेंगे। बॉलीवुड और कंट्रोवर्सीज का पुराना नाता है। कुछ सेलेब्स भूल जाते हैं कि वो पब्लिक में हैं और कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे वो ऊप्स मोमेंट का शिकार हो जाते हैं। रैंप पर अक्षय कुमार ने अपनी ही वाइफ से सरेआम अपनी पैंट की जिप खुलवा ली, लेकिन अक्षय को खुद जरा भी शर्म नहीं आई। रिचर्ड गेयर ने स्टेज पर ही शिल्पा शेट्टी को लगभग गिराते हुए जबरदस्त किस ले लिया। एक समारोह में मिका ने राखी सावंत का जबरदस्ती किस ले लिया। शाहरुख खान को वानखेड़े में एक सुरक्षा कर्मी से उलझते और गाली गलौज करते जरा भी लज्जत महसूस नहीं हुई। कटरीना जब रानी से मिली तो किस करने को इतनी उतावली हो गई कि वो ये भूल गई कि वो सड़क पर खड़ी है। बिग बी अमिताभ भी भूल बैठे कि वो एक समारोह में बैठे हैं, लेकिन उनकी पत्नी जया को तो सोचना चाहिए था। सलमान खान सुसु करने गए तो आमिर ने भी वैसा ही एक्ट करते हुए फोटो खिंचवाया और ये फोटो मीडिया में आ गया। आप लोगों को सिर्फ पीठ परवार करना आता है, लेकिन हम हिंदुस्तानियों ने कभी पीठ परवार करना सीखा ही नहीं। ऐसे ही कुछ शानदार डायलॉग से भरे अपकमिंग फिल्म सरबजीत का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म की कहानी 23 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहे सरबजीत सिंह, जिनकी 2013 में डेथ हो गई, की लाइफ पर बेस्ड है, जिनका किरदार रणदीप हुडा ने पर्दे पर उतारा है। सरबजीत की बहन दलबीर कौर के रोल में ऐश्वर्या राय है, जो अपने भाई की रिहाई के लिए लड़ाई लड़ती दिख रही है। फिल्म में ऋचा चड्ढा ने सुखप्रीत, सरबजीत की पत्नी, और दर्शन कुमार ने वकील ओवैस शेख का कैरेक्टर प्ले किया है। लगभग 3 मिनट का ये ट्रेलर इमोशंस, थ्रिल और वॉयलेंस से भरा हुआ है। उमंग कुमार के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 20 मई को रिलीज होगी। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।